Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have completed unit number, unit number 2. Okay, and today I'm going to do a special and we are going to start with a new topic actually. Okay, that is quiz yourself one, which is the sum up of all the chapters that you have done previously in class 3. Okay, so this is just a quiz. Okay, so this is given at page number 29. Okay, so first of all, open your books. At page number 29, that is quiz yourself one. Okay, so I'm just writing down the topic here, that is quiz yourself one. This is the topic I'm going to start into this session, and this is given at page number 29. Page number is 29 and the topic is quiz yourself. Okay, so in this topic we will talk about the various questions that are related to the various topics. तो देखिए quiz क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. देखिए quiz क्या होता है, आपने अभी देखिए जब आज से एक डेढ़ साल पहले जब आप स्कूल आते थे आपने देखा होगा, you must be having the quiz competitions. आपके quiz competitions होते थे schools में, स्कूल में, एंड अलग अलग टीम्स बनाई जाती थी जिसमें कि अलग अलग हाउस के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते थे, एंड सर्टेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड यू गिव द आंसर्स. ओके, तो क्विज में जितने भी क्वेश्चंस होते थे क्या वो सारे एक सिंगुलर टॉपिक से ही होते थे? नो, दे ऑल बिलोंग टू द डिफरेंट टॉपिक. ओके, सो जस्ट लाइक दैट दिस इन दिस चैप्टर दिस इज अ क्विज योरसेल्फ. दिस इज अ बंच ऑफ क्वेश्चंस in which there are certain questions are there and you yourself are going to answer them, that whether you know your answer. This is called a self evaluation. Quiz yourself means to self evaluate yourself, that whether you know the answer or not. कि आपको कितना पता है. ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल है क्वेश्चंस. This is just a simple quiz that you are doing. Sorry, this is just a simple quiz in which all the questions that are related to your daily life, जो कि आजकल आप पढ़ रहे हो. ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू दैट. ओके, सो क्विज योरसेल्फ वन, दिस इज गिवन एट पेज नंबर 29. तो आपने आजकल सुना होगा बहुत ही नॉर्मल है, देखिए अब क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं तो जेन्युइन बात है जो लेवल है क्वेश्चन है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू यू. तो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है. ओके, दिस इज अप टू योर लेवल, बट यू नीड टू आंसर ऑल दी क्वेश्चन. ओके, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. विच पोलिटिकल पार्टी डज अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट? तो अरविंद केजरीवाल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? ही इज ऑल्सो द सीएम ऑफ दिल्ली, एंड यू नो दिल्ली में किसकी सरकार है? दैट इज आम आदमी पार्टी. ओके, सो अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट्स आप, आम आदमी पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहा जाता है, AAP आप. ओके, बट द फुल फॉर्म ऑफ आप इज आम आदमी पार्टी. ओके, सो अरविंद केजरीवाल ही इज द सीएम. ओके, ही इज द सीएम ऑफ दिल्ली एंड ही रिप्रेजेंट्स द आम आदमी पार्टी. सो द क्वेश्चन इज विच पॉलिटिकल पार्टी डज अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट? सो अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट्स आम आदमी पार्टी और आप. क्लियर? So the answer of the first one is Aam Aadmi Party. You can write down the complete Aam Aadmi Party or you can just write AAP. So this is up to you. But I suggest that you must write the complete answer so that you know the meaning of Aap. Okay? So the answer for the first one is Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party. Within the bracket, you can write AAP. So Arvind Kejriwal represents Aam Aadmi Party. That is AAP. Okay. So this is also the answer of the first. Chaliye. Moving next to the second one.
इन विच सिटी इज द लॉवरे म्यूजियम लोकेटेड? लॉवरे म्यूजियम कौन सी सिटी में लोकेटेड है, कौन सी सिटी में है? सो लॉवरे म्यूजियम इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस. फ्रांस में है, कौन सी कंट्री में है? दैट इज इन फ्रांस. एंड पेरिस इज द नेम ऑफ अ सिटी दैट इज इन फ्रांस. सो पेरिस इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ फ्रांस. एंड देर इज वन ऑल्सो वेरी पॉपुलर लैंडमार्क ऑफ पेरिस दैट इज नोन एज एफिल टावर. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एफिल टावर. एफिल टावर इज ऑल्सो लोकेटेड इन पेरिस. ओके, सो लॉवरे म्यूजियम एंड एफिल टावर दे बोथ आर दी क्या बोलेंगे हम उसको, लैंडमार्क्स, द फेमस लैंडमार्क्स ऑफ पेरिस. एंड पेरिस इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ओके, सो इन विच सिटी इज द लॉवरे म्यूजियम लोकेटेड? सो द लॉवरे म्यूजियम इज लोकेटेड इन पेरिस. डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द सॉरी डोंट फॉरगेट टू रिवाइज अबाउट द एफिल टावर. देखिए कई बार क्वेश्चन घुमा के आपकी बुक से भी आ जाता है कि राइट द टू फेमस लैंडमार्क्स दैट आर लोकेटेड इन फ्रांस और दैट आर लोकेटेड इन पेरिस. सो यू कैन राइट द नेम ऑफ एफिल टावर एंड लॉवरे म्यूजियम. ओके, सो बोथ यू कैन राइट वेरी इजिली. सो द आंसर फॉर द सेकेंड वन इज पेरिस. सो द आंसर फॉर द सेकेंड इज पेरिस. P-A-R-I-S, that is Paris. P-A-R-I-S, Paris. So, Louvre Museum is located in Paris. Okay? So, this is the answer of this second one. Moving next to the third one. What is the capital of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh ki capital kya hai? What is the capital of Andhra Pradesh? So, the capital of Andhra Pradesh is Amravati. Okay, so Amravati is the capital of Andhra Pradesh. What is the capital of Andhra Pradesh? That is Amravati. Okay, so write the answer of the third one, that is Amravati. So, the capital of Andhra Pradesh is Amravati. So, write down the answer, Amravati. So, the capital of Andhra Pradesh is Amravati. Amravati. This is Amravati. Amravati. That is Amravati. Okay, the capital of Andhra Pradesh is Amravati. Okay. चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन, दैट इज हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2007 एंड वॉज री इलेक्टेड इन द ईयर 2012. ओके, सो 2007 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? एंड ही अगेन री इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in the elections of 2012. So that means he became the vice president of India for the two times in continuity. Okay, so he is Muhammad Hamid Ansari. Muhammad Hamid Ansari became the vice president of India for the two times. Okay, so earlier he became the vice president of India in the year, in the elections of 2007. Okay, so he was elected as the vice president of India in the year 2007, and again after the 5 years, okay, he again re-elected. So, मतलब कोई भी person जब दोबारा से उसी post के लिए choose किया जाता है, so that is known as re-elected. So again he re-elected for the vice president in the year, in the elections of 2012. So that means he was the vice president of India for 10 years. Okay, so the answer of who became the vice president of India in 2007 and was re-elected in 2012. So his name is Muhammad Hamid Ansari. Muhammad Hamid Ansari. So the answer for the fourth is Muhammad Muhammad Hamid
HAMID Hamid Ansari. So Muhammad Hamid Ansari was the re-elected for the two times as the Vice President of India. Okay. So he became the Vice President of India in the 2012 and was re-elected as a Vice President in the year 2007 and was re-elected as a Vice President in the year 2012 again. Okay, so this is the answer of the fourth one. Moving next to the fifth. Which brand of Ayurved consumer goods is Baba Ramdev associated with? So जो बाबा रामदेव है वो कौन से कंज्यूमर गुड्स के ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है. ओके, सो बाबा रामदेव इज एसोसिएटेड विथ पतंजलि कंज्यूमर गुड. पतंजलि आपने देखा होगा आजकल पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, खाने से लेके पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक. इफ यू कैन फाइंड पतंजलि इन एवरी स्ट्रीम यू कैन से. ओके, सो पतंजलि इज देयर. ओके, एंड हु बाबा रामदेव इज एसोसिएटेड विथ पतंजलि. सो दिस इज अ कंज्यूमर गुड. सो कंज्यूमर गुड मीन्स द गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द पीपल. जो लोग जिस गुड्स को जिस चीज को खाते हैं जिसको यूज करते हैं दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स. सो द क्वेश्चन इज विच ब्रांड ऑफ आयुर्वेद. सो दिस ब्रांड पतंजलि इन आयुर्वेदिक ब्रांड बोला कहा जाता है कि जो इसमें जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दैट आर आयुर्वेदिक दैट आर मेड विद आयुर्वेदा आयुर्वेद. ओके, एंड He is Baba Ramdev is associated with that Ayurvedic consumer good products. So what is the name of that consumer that brand? So the name of the brand with which Baba Ramdev is associated is that is Patanjali. So the answer is Patanjali. P A T A N J A L I. That is Patanjali. So the answer for the fifth is Patanjali. P A T A N J A L I. That is Patanjali. The answer for the fifth one is Patanjali. P A T A N J A L I. That is Patanjali. Clear? चलिए moving next to the sixth one. The sixth is which season of the year appears first. इन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. ओके, सो कौन सा ऐसा महीना है और सॉरी सीजन है दैट अपियर्स फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. तो देखिए सीजन्स, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर. देयर आर फोर सीजन, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. सो दीज आर द फोर सीजन्स. ओके, नाउ क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है. समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इन चारों सीजन में से कौन सा ऐसा सीजन है जो कि अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले वो इंग्लिश डिक्शनरी में उसका नाम पाया जाएगा. समर स्टार्ट्स विद एस, विंटर स्टार्ट्स विद डब्ल्यू, ऑटम स्टार्ट्स विद ए एंड स्प्रिंग स्टार्ट्स विद एस. तो देखिए एस एस डब्ल्यू ए, तो हमारे पास दो एस से एक डब्ल्यू से और एक ए से स्टार्ट होने वाले जो सीजन उनके नेम है. सो अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा कौन सा सीजन है जो पहले जिसका नाम डिक्शनरी में यू कैन फाइंड दैट. सो दैट इज ऑटम. देखिए डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो हम डिक्शनरी होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है. ओके, सो दैट मीन्स यू कैन फाइंड ऑटम. यू विल फाइंड एक्चुअली यू कैन नहीं यू विल फाइंड ऑटम सीजन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. तो इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसमें आपको सबसे पहले ऑटम सीजन का ही मिलेगा. ओके, सो द क्वेश्चन इज विच सीजन ऑफ द ईयर अपियर्स फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी दैट इज ऑटम. सो द आंसर इज ऑटम. सो द आंसर फॉर द सिक्स्थ वन इज ऑटम. राइट ऑन द स्पेलिंग ए यू टी यू एम N, that is autumn. A U T U M N, that is autumn. So these are the answers for the first six. The first is Aam Aadmi Party, that is AAP. Second answer is Paris.
third is Amravati, fourth is Muhammad Hamid Ansari, fifth is Patanjali, and the sixth is Ajay. Okay, so these are the answers for the first six questions from the Quiz Yourself one. Now we will move to the next one, that is the sixth. Chaliye, sorry, seventh one. Six we have done. We will move to the seventh one. Okay. The seventh one that is given over here is, when should John get up if he has to be at work by 9 a.m. and it takes him 15 minutes to get dressed, 20 minutes to have his breakfast and 35 minutes to drive to work. Okay, तो कहते John को एक person है जिसका नाम है John, उसको कितने बजे उठना होगा अगर उसको 9 बजे तक अपने वर्किंग प्लेस पे जहां पे भी वो जॉब करता ही वॉन्ट्स टू रीच देयर बाय 9 o'clock. ओके, सो एट वॉट टाइम ही शुड गेट अप सो दैट ही कैन रीच हिज वर्क प्लेस और ही शुड रीच हिज ऑफिस एट 9 a.m. ओके, नाउ दे हैव मेंशन्ड द टाइम टेकन बाय जॉन फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट वर्क फॉर डूइंग हिज डिफरेंट एक्टिविटीज बिफोर ही कम टू द office. So they have mentioned the time taken by him for performing different activities before after he gets up in the morning. So jab wo subah uthta hai usse pehle it takes him 15 minutes to get dressed. Okay, so it takes him 15 minutes to get dressed. So tayar hone mein he takes 15 minutes. Okay, so he takes 15 minutes to get dressed, matlab usko tayar hone mein 15 minute lagte hain. Okay, 20 minutes to have his breakfast. So breakfast khane mein he takes 20 minutes and 35 minutes to drive to work and he takes 35 minutes to drive to work. To drive karte apne kaam par jane ke liye usko total kitna time lagta hai driving mein 35 minutes. So at what time he should get up? Okay, to ab hume batana hai usko kitne baje uthna chahiye taki wo 15 minutes rest hone ke liye bhi le sake, 20 मिनट्स ब्रेकफास्ट के लिए भी यूटिलाइज कर सके एंड 35 मिनट्स की ड्राइविंग भी कर सके. सो एट व्हाट टाइम ही शुड गेट अप सो दैट ही कैन रीच हिज ऑफिस बाय 9 a.m. सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय हिम फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज बिफोर ही कम टू द ऑफिस. सो फर्स्ट एक्टिविटी इज दैट इज ही गेट 15 मिनट्स फॉर ड्रेस टू बी ड्रेस. उसको 15 मिनट्स लगते हैं ड्रेस होने में, ड्रेस्ड होने में, पहनने कपड़े पहनने में. Then he takes 20 minutes for the breakfast. 20 minutes for the breakfast. Okay. Third, he takes 35 minutes for driving to drove 35 minutes. Okay. Now, what is the total time taken by him for performing all these activities? तो ये सारा काम करने में उसको कितने minutes लगते हैं? 5 + 5 = 10. 0. 1 will be carried next. 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 1 = 7. So that is 70 minutes. So that it takes him 70 minutes for performing all this work. So that means अगर उसको 9 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना है तो उसको 70 मिनट्स पहले उठना होगा. So what will be the 70 minutes before 9 a.m. उसको 70 मिनट्स पहले उठना होगा. This is clear now. अब देखिए उसको पहुंचना कितने बजे है. तो ही मस्ट रीच द ऑफिस बाय 9 a.m. तो उनको 9 a.m. तक ऑफिस पहुंचना है. सो इससे पहले 70 मिनट्स कितने हुए? सो वी नीड टू फाइंड दिस. तो देखिए एक घंटा पहले, तो 1 hour = 60 minutes. सो दैट मीन्स एक आध घंटा पहले अगर वो उठता है, 60 मिनट्स पहले अगर वो उठता है, सो द टाइम विल बी 8 a.m. ओके 8 a.m. अगर एक घंटा पहले उठता है, 60 मिनट्स पहले उठता है, टाइम विल बी 8 a.m. बट उसको चाहिए 7 to 10 मिनट्स और वो जल्दी उठना चाहिए. सो 8 a.m. में से अगर हम 10 मिनट्स और लेस कर देंगे दैट विल बी 7:50 a.m. दैट विल बी 7:50 a.m. सो दैट मीन्स ही नीड्स टू गेट अप बाय 7:50 a.m. सो इफ ही वॉन्ट्स टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम दैट इज 9 a.m. ओके. So now the question was, when should John get up if he has to be at work by 9 a.m. and it takes him 15 minutes to get dressed, 20 minutes to have his breakfast
and 35 minutes to drive to work. So he needs to get up by 7:50 a.m. Okay, so he needs to get up by 7:50 a.m. So the answer for the seventh one is 7:50 a.m. So he needs to get up by 7:50 a.m. Clear? चलिए moving next to the eighth one. The Mount Blanc in Europe belongs to which mountain range? So Mount Blanc is the name of a mountain that locates in Europe. Okay, so जो Mount Blanc है ये एक mountains के name है बेटा. Okay, so ये किस mountain range को belong करते हैं? Okay, so this mountain Mount Blanc they are located in Europe. So they belong to the Alps mountain ranges. Okay, तो माउंटेन की रेंजेस जो होती है बेटा, जो माउंटेन पहाड़ी जो वो होती है, तो उसमें से अलग अलग जो पहाड़ होते हैं उनको नाम दिए जाते हैं. सो एक पूरी पहाड़ी की जो वो जगह, उसको जैसे हम हिमालयाज बोलते, तो हिमालयाज में भी बहुत सारे अलग अलग नेम के माउंटेन्स हैं. ओके, तो वैसे ही द माउंट ब्लैंक इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ माउंटेन दैट इज लोकेटेड इन द एल्प्स माउंटेन रेंज इन यूरोप. सो द क्वेश्चन वॉज द माउंट ब्लैंक इन यूरोप बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज. सो दे बिलोंग टू द एल्प्स. So the answer for the eighth one is the Alps. The eighth one is the Alps. A-L-P-S. That is the Alps. So the answer for the eighth one is the Alps. Okay. Moving next to the ninth one. Which IPL team is owned by Shah Rukh Khan? The Shah Rukh Khan. कौन सी आईपीएल टीम को ओनर है, कौन सी आईपीएल टीम के ओनर है? सो शाहरुख खान इज द ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स. तो बॉयज अगर कोई सबसे ज्यादा इक्वेशंस के बारे में नॉलेज होगी, सो हु ओन केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स. केकेआर की फुल फॉर्म है कोलकाता नाइट राइडर्स. ओके, सो हु इज द ओनर ऑफ केकेआर, दैट इज शाहरुख खान. ओके, अकेले शाहरुख खान नहीं है, और भी है, बट द मेन उसमें जो शेयरिंग है दैट इज ऑफ शाहरुख खान. सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट ही इज द ऑनर ऑफ केकेआर. क्वेश्चन है विच आईपीएल टीम इज ओन्ड बाय शाहरुख खान, दैट इज केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स. सो द आंसर फॉर द नाइन्थ वन इज केकेआर और कोलकाता नाइट राइडर्स. यू कैन राइट द कंप्लीट नेम एज वेल. नाइन्थ इज कोलकाता नाइट. यहाँ पे नाइट है सिपाही वाला नाइट, K-N-I-G-H-T नाइट राइडर्स, R-I-D-E-R-S, दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स, दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स. सो शाहरुख खान ओ, ओके, आप चाहे तो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, दैट इज K-K-R. That is KKR. Okay. The answer for the ninth one is KKR. That is Kolkata Knight Riders. Moving next to the tenth one. The tenth is which of these countries uses the ringgit as a currency? Afghanistan, Malaysia, or South Africa? So ringgit, कौन सी इन तीनों में से कौन सी कंट्री की करेंसी है? अफगानिस्तान, मलेशिया या साउथ अफ्रीका की? सो रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया. तो रिंगिट कौन सी कंट्री की करेंसी है? द रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया. ओके, सो द आंसर फॉर द टेंथ वन इज मलेशिया. सो रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया. राइट द आंसर ऑफ द टेंथ वन, दैट इज मलेशिया. एम ए एल ए वाई S-I-A, that is Malaysia. So ringgit is the currency of Malaysia. Okay, moving next to the 11th one. Okay, what is the capital of Turkey? Turkey ki jisko Turki bolte hain Hindi mein, what is the capital of Turkey? Turkey ki capital kaun si hai? What is the capital of Turkey? So the capital of Turkey is Ankara. Ankara is the capital of Turkey. Ankara is the capital of Turkey.
So the answer for the 11th one is turkey. The answer for the 11th one is turkey. That is Ankara. So what is the capital of Turkey? That is Ankara. So the answer of the 11th one is Ankara. A-N-K-A-R-A. That is Ankara. So the capital of the Turkey is Ankara. So these are the answers from 7 to 11. The answer of the 7th one is 7:50 a.m. 8th is the Alps. 9th is Kolkata Knight Riders. 10th is Malaysia. And the 11th is Ankara. Okay. So these are the answers from 7 to 11. You can pause the video here and write down the answers from question number 7 to 11. Okay. Now we will move to the next. Now the next one is the 12th one. So the 12th question is, what is the full form of ISRO? What is the full form of ISRO? So do you know about the ISRO? ISRO is a space agency of India. जैसे कि आपने NASA का नाम सुना है, NASA America की एक space agency का नाम है, जैसे National Aeronautics and Space Administration. So just like that, ISRO is a space agency of India. Okay, and the Mangal, जो भी Mission Mangal आपने movie देखी है, Mangalyaan जो था, that was the successful Moms Orbiter mission. That was successful mission by the India, and it the satellite was made by the ISRO only. Okay, so what is the full form of ISRO? So the full form of ISRO is Indian Space and Research Organization. Indian Space and Research Organization. So that is the full form of ISRO. So the 12th one is ISRO. Full form of ISRO is Indian, I-N-D-I-A-N, Indian Space and Indian Space and Research, Indian Space and Research Organization or Organization, Indian Space and Research Organization. So this is the full form of ISRO. That is the answer of the 12th one. Moving next to the 13th. Where do you find the largest muscle in your body? So hamari body mein sabse largest, sabse badi muscle kahan pe hai? That is buttocks. Okay, so hip portion, that is the buttocks. Okay, so the largest muscle in human body is muscle ki baat ho rahi hai. Bone ki baat nahi, ki we talk about the muscle. So the largest muscle in human body is buttocks. So the answer of the 13th is buttocks. B U double T O C K S. That is buttocks. B U double T O C K S. That is buttocks. Moving next to the 14. What is the longest key on a computer keyboard? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे लंबी जो की होती है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट की? सो दैट इज स्पेस बार की. स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड. सो द आंसर ऑफ द 14th वन इज स्पेस बार. स्पेस बार, स्पेस बार की और स्पेस बार यू कैन राइट. सो द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज स्पेस बार. Yeah. Moving next to the last one. Which popular cartoon character who is also a reporter has a pet dog named Snowy? So ye cartoon character beta, that we were kids at that time, this cartoon character was very popular. Okay, so the name of this cartoon character we need to know. Okay, he is Tintin. So he was a reporter and he has a very small dog whose name was Snowy. Okay, so which popular cartoon character who is also a reporter has a pet dog named Snowy? That is Tintin. So the answer for the last 15th one is Tintin. T-I-N, T-I-N, that is Tintin.
Okay, so these are the answers from 12 to 15. The 12th one is Indian Space Research Organization. 13th is Buttocks. 14th is Space Bar. And the 5th is Tintin. Okay, so this was from my today's session class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day.